वह सांसद हैं तो रक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए, हो जाए सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा। देखिए हे भगवान, लगातार देखते ही तो आ रहे हैं भाई साहब, भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का परिचय देने की कोई जरूरत ही नहीं। जैसे ही सोशल मीडिया पर इनको क्लिक करेंगे सामने ही प्रकट हो जाते हैं। बेचारा कैमरा भी कप कप आने लगता है कि देखिए आज कौन सा बयान आ गया। और आज बयान ऐसा है कि मान चलो भाई साहब बाराबंकी जनपद में भूचाल आ जाएगा, और आज ही नहीं ये कुछ ना कुछ नया ही लेकर आते हैं। और आज किस संबंध में बयान आया है आप खुद ही सुनिए, सुन के जाइएगा, वीडियो को बंद मत कर दीजिएगा वरना भाई साहब पाप लगेगा। फिलहाल सुनिए कि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं। पासी समाज में हिम्मती है, पासी समाज बहादुर है, ये तो आप स्वयं कह रहे हो। पासी समाज का एक इतिहास। बाप रे बाप, भाई साहब ऊपर में बैठे भगवान जी भी सोचते होंगे कि बाराबंकी जनपद में कौन सा नेता प्रकट हो गया है। लीजिए भाई साहब, पासी समाज का इतिहास ही खोज लिया इन्होंने, सुनिए कि क्या मामला है। हमारा ये बाराबंकी जिला जो है, संभवतः कम लोग जानते होंगे, ये राजा जस पासी का ही बसाया हुआ है, हम पर जस मंडा है, यही उनकी केंद्र बिंदु था उनका जी। पासी राजाओं के नाम सभी लोग जानते हैं, राजा सुहेलदेव, राजा बिजली पासी, उन्नाव के राजा शांतन पासी, गंगा भक्त रावत, हमारी वीरांगना उदा देवी, ये तमाम नाम इस श्रेणी में लिए जा सकते हैं। मैं अगर उससे नीचे उतर करके आता हूँ, मुगलों से अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, अगर उसके बाद भी हम आते हैं तो हमारे यहाँ जमींदारी थी, छोटी छोटी रियासतें थी, इनमें भी मैं जिस गांव से स्वयं आता हूँ वो हमारा गांव ही पासी बाहुल्य है, तो हमने अपने बचपन से पासी समाज को बड़े करीब से देखा है। ये लड़ाकू कौम है, लड़ाकू का मतलब ये नहीं है कि अनायास झगड़ा करने वाली कौम, लड़ाकू अर्थ ये नहीं होता है, बहादुर कौम है। बड़े बड़े जिम्मेदारों के यहाँ, उनके अंगरक्षक से लेकर के उनकी सेना के सिपाही तक, रखवाले पहरेदार तक, ये सब ज़्यादातर पासी समाज के ही हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है कि इनकी बहादुरी पर शक नहीं किया जा सकता, ये बहादुर कौम है। और सबसे बात बड़ी चीज़ ये है कि ये बड़ी ही विश्वसनीय कौम है, ये विश्वास पात्र होते हैं, ये जिससे दोस्ती करते हैं उसका हक अदा करते हैं, ये इनकी विशेषता है। लेकिन और मैं एक बात और आपको बता दूं कि इनका अगर ब्लड भी टेस्ट कर लिया जाए, मैं व्यवहारिक बात मेडिकल की बात कर रहा हूं, ब्लड भी अगर टेस्ट कर लिया जाए तो इनका कोई भी ग्रुप का ब्लड होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, इनका निगेटिव ब्लड नहीं होगा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो बातचीत तो निगेटिव लगती नहीं, ये निगेटिव नहीं है। देखिये ये हमारे लोकतंत्र के ये सजग प्रहरी हैं, ये हमारी लोकतंत्र के रक्षक हैं। और हाँ, थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, हमारी गीता में भी है कि श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म गुण और स्वभाव ये जातिगत होता है, तो इनका ये जातिगत स्वभाव है, ये इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, ये अत्याचार और अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, और संभवतः अपने स्वभाव के कारण ही जो कुछ ये लोग कह रहे हैं या अन्य लोग कह रहे होंगे वो स्वभावगत है, वो स्वभाव के कारण कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि इनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो क्या इनको सेना में सौंप देनी चाहिए कि इनकी सेना बना देनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, जाट रेजिमेंट बन सकती है, सिख रेजिमेंट बन सकती है, पासी रेजिमेंट बने, बिल्कुल। बहादुरी, अगर बहादुरी सीमा की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, मोदी जी को देखना चाहिए इस बात को, मोदी जी को समझना चाहिए और इन नौजवानों का सही सदुपयोग करना चाहिए। पासी समाज के ये वीर हैं, लड़ाके हैं, इनकी पासी रेजिमेंट बननी चाहिए, सीमा की सुरक्षा इनसे ज्यादा बहादुरी के साथ। उपेंद्र सिंह रावत सांसद हैं तो रक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए? हो जाए सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा, और अच्छे दायित्व मिलने चाहिए इन लोगों को, इन लोगों को अच्छे दायित्व मिलने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और मैं इसकी पुरजोर सिफारिश करता हूँ कि ये, और मैं इसलिए इनका प्रशंसक हूँ कि ये
बहादुर लोग होते हैं, और मेरे नाम के आगे बहादुर लगा लिया जाए, मैं बहादुर कौम का स्वागत करता हूँ। जय हो। बेचारे पत्रकार को भी जय हो कहना पड़ा, क्योंकि भाई साहब रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने ऐसे शब्दों का प्रयोग ही कर दिया। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का बस चले तो बाराबंकी जनपद के सांसद उपेंद्र रावत को सीधे सीधे देश के रक्षा मंत्री में नियुक्त कर दिया जाए। बेचारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सोच में पड़ जाएंगे अगर कहीं रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का बयान सुन। फिलहाल जो भी हो आगे देखना रोमांचक रहेगा, और शब्द गलत निकल गए हो तो भाई साहब माफ कर दीजिएगा। वैसे भी बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए ABN News रिपोर्ट कर रहा हूं।